लेके जाबरा में शुक्रवार को एक बार फिर फायरिंग करते हुए मंडी व्यापारी को लूटने का प्रयास किया गया। मंडी व्यापारी और वहां मौजूद लोगों के साहस के कारण बदमाश वारदात करने में न सिर्फ असफल रहे बल्कि दो आरोपियों को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। बदमाशों का सामना करने पर व्यापारी और भाई उस्मो नेता को हल्की चोट आई है जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। वारदात को लेकर मंडी व्यापारियों में आक्रोश है। जाबरा से सोमनाथ योगी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मामला क्या है? पूरा मामला ये सुरेश पिता देश कुमार पाटनी है, ये सागर मोदी परिसर जावरा के रहने वाले। ये सुबह मंडी में जा रहे थे, इनके पास कुछ कैश था, बैग था, और जब जा रहे थे तो ये तीन व्यक्ति आए और इनसे बैग छीनने का प्रयास किए। बैग छीना भी, छीन कर में भागने की इन्होंने कोशिश की। इसी समय जो है इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के उपरांत जो है राहुल उपन्नी और जो अन्य व्यक्ति थे वो आए, उन्होंने पकड़ा और थोड़ी बाद पुलिस में पहुँचे, उनको पकड़ कर रिपोर्ट किया। दो आरोपी जिनको अभी तक हम लोगों ने हिरासत में लिया है, एक का नाम दियाकर है, एक का नाम नूर है, और एक और एक अन्य आरोपी जो फरार है उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। आरोपी ने ये घटना कार्यक्रम करते समय फायरिंग भी की थी और तो फायरिंग से कोई इंजर्ड नहीं है, कोई जनहानि नहीं है और हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे जिससे इस टाइप की घटनाओं की क्रिया होगी। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं सर? इसमें जो दो आरोपी हैं वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और एक जो है चपरा का है, नूर जो है जावरा का है, और लियाकत जो है प्रतापगढ़ का है, और एक और अन्य आरोपी जो फरार हुआ है वो मुझे का है, जिसकी तलाश हम लोग कर। किस धारा में इनको गिरफ्तार किया था? इसको हमने 307, 394, 341, 34 इन धाराओं में जो है।